आज जय श्री कृष्णा सोसाइटी एवं सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के निदेशक संजय यादव एवं अजय सिंह यादव ने बताया कि इस तरीके का आयोजन बीते 20 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। उनका इंस्टीट्यूट गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करता है। रंगारंग कार्यक्रम के पूर्व समारोह का उद्घाटन श्रवण आनंद जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि का स्वागत एवं धन्यवाद संजय यादव जी के द्वारा किया गया। इस दौरान संजय यादव ने बताया करीब 85 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। देखें खास रिपोर्ट कानपुर से। जो यहाँ पे कार्यक्रम आज हो रहा है उसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम संजय कुमार यादव है और सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट एवं श्री कृष्णा सोसाइटी नाम चलाते हैं हम लोग हैं। और ये हर साल हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, बच्चों जो मेधावी छात्र छात्राएं होते हैं उनको सम्मान करा जाता है। लगभग कितने बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है? ये लगभग करीब 80 बच्चे यहाँ पर होंगे आज, उनको सम्मान दिया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? अतिथि के रूप में श्री महाराज जी हैं, वो आ रहे हैं। सर कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है? ये लगभग 20 वर्षों का कार्यक्रम चल रहा है। आपकी कौन सा वर्ष है? ये 21वां वर्ष चल रहा है। सर कितने बच्चे लमसम जो है ऐसे हैं जिनको जो है क्या नाम है टॉप लिस्ट में कुछ नगद इनाम की राशि भी प्रोत्साहित करेंगे आप? हाँ जी हाँ, मैं कुछ करीब 11 बच्चे मैंने निकाला था जिन्होंने लास्ट टॉप किया था और 2 बच्चे मेरे सिलेक्शन हुए थे नीट में, उनको अच्छे करते रहते हैं और इस प्रकार से बच्चों को मनोबल बढ़ता रहता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले? ये संदेश देना चाहेंगे जो मेरे जो नए यूथ है और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम लोग निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं, कोई फीस चार्ज नहीं कराता। तो हमारी कोचिंग लगभग 20 वर्षों से चलते आ रही है, इसमें सभी बच्चों का हम सम्मान करते रहते हैं।